नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा दुनिया पे। मैं पूनम आपके साथ। ईडी ने आज ईडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की 6,02,00,000 रुपए की संपत्ति जब्त कर ली है। इसमें गाजियाबाद और बिहार की सभी संपत्ति शामिल है। ईडी ने लैंड फॉर जॉब्स केस में ये कार्रवाई की है। इस मामले में लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी और बेटियां मीसा हेमा से पहले ही पूछताछ की जा चुकी है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 7 अगस्त को होगी। लैंड फॉर जॉब केस की नई चार्जशीट में लालू और राबड़ी के साथ तेजस्वी यादव को भी आरोपी बनाया गया है। इस केस में तेजस्वी समेत कुल 17 लोग आरोपी हैं। इनमें कई अन्य नए बिचौलियों के नाम भी शामिल हैं। सीबीआई की तरफ से लैंड फॉर जॉब केस में पिछले साल 7 अक्टूबर को एक चार्जशीट दाखिल की गई थी। इस आरोप पत्र के आधार पर सीबीआई की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई भी हुई। सीबीआई सूत्रों की माने तो सप्लीमेंट्री की जगह पूरी तरह फ्रेश चार्जशीट दाखिल की गई है। लैंड फॉर जॉब मामले में एक नया केस दायर कर उसमें तेजस्वी यादव के नाम को भी शामिल किया गया है। इसी के साथ बने रहे राजनामा दुनिया के साथ। धन्यवाद।